फ्रेंड्स, आई एम अमर, यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जुगाड़ू अमर। तो मैं फ्रेंड्स आपके लिए लेके आया हूँ अपनी लाइफ की पहली वीडियो, जिसमें आप सीखेंगे कि हम मीटर को कैसे फीट इंचेस में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपने अभी ये वीडियो लास्ट तक देखना है, बीच में स्किप बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप स्किप करोगे तो आप पूरी तरह से नहीं सीख पाओगे कि हमने कन्वर्ट कैसे किया है। इसलिए आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए और जुगाड़ू तरीके से इस वीडियो का आनंद लेते रहिए। ये शुरू करते हैं फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। ओके फ्रेंड्स, नाउ स्टार्ट। आपको मीटर को फीट इंचेस में चेंज करना है, कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है जो हमारी ये स्केल होती है, बस इस स्केल को आपने याद रखना। बचपन से आपने इस स्केल को यूज़ किया है 5th, 6th में, 7th, 8th स्टैंडर्ड्स में, तो बस आपने अभी भी इस स्केल को याद रखना है माइंड में। बस एक चीज़ याद रखनी है जिससे आपका सारा काम आसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो ये स्केल होता है हमारा, जो हमने बचपन से यूज़ किया हुआ है, ये होता है हमारा तीस सेंटीमीटर का, यानी 30 सेंटीमीटर होता है हमारा एक फीट के बराबर। इतनी सी चीज़ आपने माइंड में याद कर लेनी है। जब आप इसको याद कर लोगे तो मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मीटर को फीट इंच में कन्वर्ट करने के लिए। दूसरी चीज़, हमारा एक मीटर होता है वो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, और दूसरा 0.1 मीटर, ये होता है हमारा 10 सेंटीमीटर के बराबर, यानी कि 0.1 मीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगर आपके पास दिया होगा 4.8 मीटर और ये आपने फीट इंचेस में कन्वर्ट करना है, इसके लिए आपने क्या करना है, 0.8 का मतलब हुआ 80 सेंटीमीटर। तो आपका क्या मतलब हुआ, ये आपने याद क्या रखा है कि 0.8 मीटर किसके बराबर होते हैं, 80 सेंटीमीटर के बराबर। नेक्स्ट स्टेप, अब आपके पास एक ड्राइंग दी होगी, आप फील्ड में वर्क करने जा रहे हो, साइट में आपको कोई ड्राइंग दी गई है, आपने यहाँ पे ड्राइंग जो पास उठती है, जो हम नक्शे बनाते हैं आर्किटेक्चर में, वो मीटर में बनाते हैं। हो सकता है आप साइट पे गए और वहाँ पे आपसे मेसन पूछता है, एक मिस्त्री पूछ लेता है कि मुझे ड्राइंग मीटर में नहीं भाई, फीट इंचज में कन्वर्ट करके बताओ। तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ, इसमें आपको कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। जैसे ये हमारे पास एक ड्राइंग में डायमेंशन दी हुई है, क्लियर डायमेंशन हमारे पास दी है 5.6 मीटर बाई 4.4 मीटर। अब आपको उसको सिर्फ कन्वर्ट करना है फीट इंचेस में। 4.4 मीटर का मतलब कि हाउ मैनी फीट्स दैट इज, सो वी नीड टू डू दैट, वी कन्वर्ट 4 मीटर। 4 मीटर मैंने 1 मीटर किसके बराबर बताया आपको ऊपर, 100 सेंटीमीटर के बराबर, यानी कि 4 मीटर में हो गए हमारे 400 सेंटीमीटर। 0.4 का मतलब, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, 0.4 × 10 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर का क्या होगा, अब इसको हम प्लस कर देंगे दोनों चीज़ों को, तो हमारे पास आ जाएगा 440 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर। 440 सेंटीमीटर आया, मैंने आपको बताया था 30 सेंटीमीटर का होता है हमारा एक फीट, तो उसको कुछ नहीं करना है, हमने 440 को 30 से डिवाइड कर लेना है। जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास ये डिवाइड करके आएगा 14 फीट 6 इंच, 14.6 समथिंग आएगा, इसका मतलब होगा 14 फीट 6 इंच। तो हमारे पास क्या ड्राइंग आई है, हम यहाँ लिख लेते हैं 14 फीट 6 इंचेस। इसी तरह आप 5.6 मीटर को कन्वर्ट करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ये कितने फीट इंचेस के बराबर आया है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये मेरा वीडियो, ये बिल्कुल ही देसी और जुगाड़ू तरीका है जिसे आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं कि मीटर को कैसे फीट इंचेस में कन्वर्ट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लिव हेल्दी लिव फ्रेश, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।